प्रणधार आत्मसंबंधी सुंदर सात जी, अक्षरातीत धामधनी श्री राज जी की अपार मेहर से श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ अपनी स्थापना के वर्ष से ही अपने नाम के अनुरूप ज्ञान के प्रचार प्रसार में अपना संपूर्ण प्रयास कर रहा है और समय के साथ साथ तकनीकी विकास के साथ साथ प्राणनाथ ज्ञानपीठ ने भी श्री प्राणनाथ जी की वाणी के प्रचार प्रसार के लिए स्वयं को तकनीकी रूप से उन्नत बनाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है और इसी क्रम में आप सभी सुंदर साथ को यह बताते हुए श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ परिवार को अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है कि होली के इस सुखद अवसर पर हम आप सभी के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में SPJIN GPT लेकर के आ रहे हैं, जिसका एक डेमो उदाहरण के रूप में आप सबके सामने है। इसमें आप वाणी और वित्तक के संदर्भ में कोई भी प्रश्न पूछेंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से आपके प्रश्नों का समाधान आपको प्राप्त हो जाएगा। जैसा कि मैंने एक प्रश्न पूछा है, आपके सामने है, आपके स्क्रीन पर है। पहला मैंने प्रश्न पूछा है कि चितवनि क्या है। आप ध्यान से इसको देख सकते हैं कि चितवनि का आशय आत्मदृष्टि से देखने से है, जबकि भावलीनता का तात्पर्य अंतःकरण के द्वारा चिंतन, मनन, विवेचन और अहमपना करने से है। तो ये इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो इसे समझ में आया इसने उत्तर दिया। और मैंने कुछ और भी प्रश्न पूछे इसके अलावा भी, और उन प्रश्नों के उत्तर को पढ़ करके मुझे लग रहा है कि लगभग 90% तक सही भाव से यह उत्तर दे रहा है। तो जो सुंदर साथ किसी भी प्रश्न का समाधान ढूंढना चाहते हैं, अब कोई प्रचारक उपलब्ध नहीं भी होगा तब भी आप इस SPJIN GPT के माध्यम से अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि मैंने दूसरा प्रश्न पूछा, त्रिधा लीला क्या है, इसमें इसने उत्तर दिया है, आप इस उत्तर को देख सकते हैं। और उसके बाद मैंने तीसरा प्रश्न पूछा था गुजराती भाषा में कि प्राणनाथ जी कौन है, तो इसका भी उत्तर इसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से वाणी और वित्तक का आधार लेकर के दिया है। आप इसको अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्राणनाथ जी को आत्मा के जीवन का आधार प्रियतम परब्रह्म कहा जाता है, बाकी आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं। तो आप स्वयं इसको देख लीजिए। मुझे आशा है कि यह SPJIN GPT आप सभी के शंका समाधान में अत्यधिक सहायक सिद्ध होगी। तो आप सभी सुंदर साथ से आग्रह है कि इसका अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें। होली के इस पावन अवसर पर श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ की तरफ से आप सभी सुंदर साथ को यह एक सौगात है, एक उपहार है। धन्यवाद।